तो ये है Redmi का K20 Red Edition। इसे मैंने MI के स्टोर से ऑर्डर किया था, फ्लिपकार्ट से नहीं किया था, और ये मुझे इजीली मिल गया था वहाँ पर। और ये देख सकते हैं आप, अभी पैक है और बस मैं इसको ओपन करने वाला हूँ। मैंने इसको ऑर्डर किया था 2 दिन पहले और ये आ गया है मेरे पास। तो लेट्स सी Redmi का रेड वाला जो वर्जन है वो कैसा दिखता है। तो इसके अंदर हमें कुछ मिलता है, मुझे हार्ड केस मिल रहा है इसके अंदर। हार्ड केस उतना खास नहीं है, ब्लैक कलर का, टिपिकल ब्लैक कलर का है। अच्छा है वैसे, प्रीमियम क्वालिटी लग रहा है क्योंकि मैं इसके मोड़ के देख रहा हूँ तो ये टूट नहीं रहा है। अच्छा है, इसे रखते हैं साइड में। इसके साथ हमें ये मिल रहा है और इसके साथ हमें कुछ कॉशन पेपर्स हैं और ये है पेपर्स हैं, इनको साइड में रखता हूँ। ओके, ये चीज़ है। उसके बाद हाथ में आता है हमारे डिवाइस इटसेल्फ और ये है, करता है हम देखेंगे। और अब हमारे हाथ में है फ़ोन Redmi K20, 48 मेगापिक्सल कैमरा, 20 मेगापिक्सल पॉपअप सेल्फी कैमरा, क्वालकॉम सैंड ड्रैगन 730 प्रोसेसर, सुपर एमोलेड डिस्प्ले, सब कुछ इसमें ब्रांडिंग वगैरह दी गई है। और पीछे EMI वगैरह नंबर है। पीछे की जो ये है, पीछे से डिवाइस बहुत प्रीमियम लुकिंग करता है। इसकी जो शाइनी लेंथ देख सकते हैं, पूरा ग्लो करता है ये। इसको जैसे जैसे घुमाते हैं हम साइड बाय साइड, बहुत ही प्रीमियम लुक है डिवाइस का। और हाथ में भी बहुत इजीली आ जा रहा है, लगता नहीं कि इतना बड़ा फ़ोन हाथ में लेने के बाद। लेकिन इसका डिस्प्ले जो है वो 6.639 इंच का है और काफ़ी बड़ा डिस्प्ले है जो, तो आसानी से कोई, अगर कोई गर्ल यूज़ करना चाह रही है इस फ़ोन को रेड वेरियंट में, तो बहुत अच्छा है उसके लिए। और पीछे जो कैमरा है वो ट्रिपल कैमरा है जिससे आप वाइड एंगल शॉट्स ले सकते हो, 48 मेगापिक्सल है। और ये सिम इजेक्टर इसका नीचे साइड दिया है, यहाँ से सिम इंसर्ट होगी। ये टाइप सी पोर्ट दिया हुआ है इस पर। स्पीकर्स यहाँ दिए हैं, एक स्पीकर है और एक ही स्पीकर है वैसे। आई गेस मुझे दो स्पीकर ज़्यादा अच्छे रहते हैं फोन्स में, मगर एक ही स्पीकर है। देखिए इसका आउटपुट कितना अच्छा देता है। ओके, सो हम इसे यहाँ से ओपन करते हैं। फर्स्ट टाइम मैं इसे ओपन कर रहा हूँ। ओके, तो इसमें MIUI 10 आता है जिससे आप आगे बढ़ के नेक्स्ट कर सकते हैं। लैंग्वेज आप इंग्लिश ही रहने दीजिए। और यहाँ से टाइमिंग वगैरह आप एडजस्ट कर सकते हैं इंडिया की। ओके, तो मैं यहाँ से कनेक्ट होकर देख लेता हूँ। ओके, सो मैं वाईफाई से कनेक्टेड हो गया हूँ। ओके, नेक्स्ट करते हैं पॉलिसी। तो पॉलिसी मैंडेटरी है, सिम कार्ड इंसर्ट बाद में करेंगे। देखिए काफ़ी क्विक है इसका इन डिस्प्ले फिंगर सेंसर। और अब
अपडेट अभी भी अवेलेबल है इसकी, तो अभी तो मैं इसे अपडेट नहीं करूँगा, जो ये वर्जन है इसी को यूज़ करूँगा। MIUI 10 काफ़ी सिंपल सा सेटअप होता है, लेकिन काफ़ी सिंपल, जितना अच्छा रहता है उतना सिंपल ही रहना चाहिए। ओके, सो इनबिल्ट ऐप्स तो बहुत कम है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। ज़्यादा ऐप्स फ़ोन में जो प्री इंस्टॉल्ड रहती है उसको हम इंस्टॉल नहीं कर पाते हैं, तो ये अच्छी बात है। तो इसका कैमरा देखते हैं, अल्ट्रा वाइड एंगल मोड भी है इसमें। ओके, तो अगर मैं फोटोज कैप्चर करूं तो फोटोज में डिटेलिंग काफी की गई है और कलर काफ़ी वाइब्रेंट है, वाइब्रेंट एंड विविड कलर्स है, और जैसी फोटो आनी चाहिए वैसी है। और यहाँ पर अगर हम सेल्फी कैमरे की बात करें तो बहुत ही कूल सा एक फीचर आ जाता है इसके अंदर, ये लाइट वाला। जैसे हम ऑन करेंगे फोन को तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो रेड LED लाइट्स चलती है, काफ़ी कूल लगती है। इसका कोई बेसिकली यूज़ नहीं है, लेकिन ये दिखने में काफ़ी अट्रैक्टिंग लगता है। आप जैसे किसी के सामने सेल्फी ले रहे हो तो काफ़ी कूल फील करेगा। चलिए इसे बंद करते हैं, पहले एक सेल्फी लेके देखते हैं। तो डिटेलिंग काफ़ी अच्छी है, पिक्सल्स इतने फट नहीं रहे, और पोर्ट्रेट मोड पे भी फ़ोन है अवेलेबल। इसका डिस्प्ले काफ़ी अच्छा है, क्योंकि सुपर एमोलेड डिस्प्ले Xiaomi ने पहली बार लॉन्च किया है इंडिया में किसी फ़ोन में। सुपर एमोलेड डिस्प्ले जो होता है वो नॉर्मल डिस्प्ले LED डिस्प्ले से अच्छा होता है। और ये फ्रंट और ये बैक तो मुझे काफ़ी ठीक लगा इसका डिस्प्ले। और सेटिंग्स के लिए हम यहां से जा सकते हैं, ये फोन इंडिया में लॉन्च हुआ, इसमें MIUI 10.3.6.0 अवेलेबल है वैसे, मगर मैं डाउनलोड नहीं करूंगा अभी। और एंड्रॉइड वर्जन 9 पाई दिया हुआ है इसमें। ओके, 6GB रैम के साथ में है ये फोन, 6GB रैम है और 64GB इंटरनल, जिसमें से 52GB आप यूज कर सकते हैं। तो दैट्स इट गाइस, ये है इसका अनबॉक्सिंग और वीडियो रिव्यू। और जो काफ़ी ग्लोइंग सा फ़ोन है, बहुत ही अट्रैक्टिव फ़ोन है, मुझे लगता है ये फ़ोन मार्केट में काफ़ी सेल करेगा और काफ़ी लोग इसे पसंद करेंगे, क्योंकि उतना भी हैवी नहीं है, थोड़ा सा हैवी है बट हाथ में अच्छे से फील आता है, मज़ा आता है इसको यूज़ करने में, लोग देख के काफ़ी इसे खुश हो जाएंगे। और इन डिस्प्ले फिंगर सेंसर काफ़ी अट्रैक्टिव है इसका।